अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू gadgetspro.pk। ये जो डिवाइस मेरे हाथ में है, इसका मॉडल है शार्प EQUOS R3। और मोर देन 90% ऑफ द गेमर्स जो पाकिस्तानी हैं, उनको पता होगा इस डिवाइस के बारे में। और जिनको नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ कि यार ये शार्प EQUOS R2 का सक्सेसर है। शार्प EQUOS R2 बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली डिवाइस थी, खासतौर पर पबजी प्लेयर्स में। और पबजी में कम प्राइस में एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस थी। ये उस फ़ोन का सक्सेसर है, शार्प EQUOS R3। और ये फ़ोन जो है, ये पाकिस्तान में बॉक्स पैक नहीं आता, ये हम लोग जापान से इंपोर्ट करवाते हैं। और ये ऑफिशियल PTA प्रूफ में आ रहा है। और ये जो कंपनी है शार्प, ये एक जापान की कंपनी है। और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन्स हैं इनके, ख़ास तौर पे इनमें प्रोसेसर जो यूज़ हुआ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और बिल्ड क्वालिटी इस फ़ोन की बहुत अच्छी है। और इन फ़ोन्स की खास बात यही है कि प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत अच्छी है। आपको कम प्राइस में एक बेहतरीन गेमिंग डिवाइस मिल जाती है, और इसमें पबजी के ग्राफिक्स सपोर्ट भी बहुत अच्छी है। वीडियो में आगे चलने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पबजी प्लेयर्स के लिए डिवाइस कैसी है वो हम देखेंगे, पबजी की परफॉर्मेंस देखेंगे इसकी, और ग्राफिक्स क्या क्या सपोर्ट है इसमें। और उसके बाद इसी वीडियो में हम इस फ़ोन के साथ एक डील भी लेके आएँ। अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो नॉर्मल ये फ़ोन जो ऑफिशियल PTA प्रूव है, ये आपको कितने में मिलेगा विद डील। आपको इसके साथ कूलिंग फ़ैन, जिसको रेडिएटर भी कहते हैं, और फास्ट चार्जर के साथ आपको एक बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी डील लेके आए हम। तो विद कूलिंग फ़ैन और रेडिएटर के साथ आपको ये फ़ोन कितने में पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ऑर्डर का प्रोसीजर भी हम बताएँगे। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज है, और इसमें स्नैपड्रैगन 855 है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि जब भी आप एक फ़ोन परचेज़ करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर चेक किया करें कि फ़ोन के अंदर प्रोसेसर कौन सा यूज़ हुआ है। तो इसमें स्नैपड्रैगन 855 है, जो कि अभी तक एंड्रॉयड वर्ल्ड में जितने भी प्रोसेसर्स आएँ उसमें जो फ्लैगशिप यानी जो सबसे बेहतरीन प्रोसेसर्स हैं वो स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ के हैं, और जेन 1 जो कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। तो इसमें जो सबसे फास्टेस्ट सीरीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़, उसमें से एक प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि स्नैपड्रैगन 855 है, और जो इतना फास्ट है कि आपको किसी भी किस्म का जो है लैग का इशू नहीं आएगा नॉर्मल यूजेज में, और गेमिंग में भी बहुत बेहतरीन प्रोसेसर है ये। और प्रोसेसर ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चूना लगा रही हैं कंपनीज कस्टमर्स को, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं होता प्रोसेसर्स के बारे में। तो बाकी चीज़ें तो स्पेसिफिकेशन तो ठीक होती हैं, लेकिन जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता है वो बहुत ही थर्ड क्लास यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से गेमिंग में लैग आता है, और नॉर्मल यूजेज में भी कुछ अर्से बाद फ़ोन जो है वो हल्का हल्का लैग करना शुरू कर देता है। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरास की। तो इसमें 20 MP का मेन लेंस है, 12 MP का सेकेंडरी कैमरा है, और 16 MP का फ्रंट पे सेंसर यूज़ किया गया। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो एक डिसेंट रिज़ल्ट है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि क्योंकि मैंने तो आपको ऑनेस्ट रिव्यू देना है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कैमरा के लिए फ़ोन परचेज़ करना है तो आप इसकी जगह सोनी एक्सपीरिया के कुछ फ़ोन हैं, जैसे कि एक्सपीरिया 1 है, एक्सपीरिया 5 है, उनको प्रेफर करना चाहिए आपको अगर आप कैमरा के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो। लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर आप कम रेंज में कैमरा के लिए अच्छा फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो आप LG G7 ले सकते हैं, LG G8 ले सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा अगेन। बट अगर गेमिंग के लिए फ़ोन लेना तो ये फ़ोन जो है वो बेस्ट है। और इस फ़ोन के कैमरा को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया गया शार्प R2 की नस्बत, इसमें काफ़ी बेहतर है कैमरा, लेकिन स्टिल इतना अच्छा नहीं है कि मैं बोलूँ कि बहुत ही आउट क्लास का कैमरा इसका, इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि आपको डिसेंट पिक्चर्स आप इसे ले सकते हैं, और इसमें स्लो मोशन भी है और टाइम लैप्स भी है, लेकिन इसमें पोर्ट्रेट मोड वगैरह नहीं है। और फ्रंट कैमरा भी इसका डिसेंट पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगेन यही बात कहूँगा कि अगर कैमरा के लिए फ़ोन लेना है तो आपके पास मार्केट में इससे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर आप बॉक्स पैक की तरफ चले जाते हैं तो बॉक्स पैक में आपको इससे अच्छा कैमरा का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में बॉक्स पैक बहुत ही बुरे कैमरा रिजल्ट वाले फ़ोन आते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की। तो इस फ़ोन का सेकंड प्लस पॉइंट इसका डिस्प्ले है, फर्स्ट पे इसका प्रोसेसर एंड सेकंड पे इसका डिस्प्ले। इस फ़ोन में 4K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले यूज़ किया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। इग्जो LCD, इग्जो एक टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले की, इग्जो LCD इसमें यूज़ की गई है। AMOLED डिस्प्ले नहीं है, बट गेमर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले है। इसकी जो क्वालिटी है डिस्प्ले की बहुत अच्छी है, और ब्राइटनेस लेवल भी बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर पर स्मूथनेस के हवाले से ये जो डिस्प्ले है बहुत अच्छा है, और गेमर्स के लिए ये बहुत ही बीस्ट डिस्प्ले है। इस
फोन में फेस अनलॉक भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा इस फोन के फ्रंट पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, और इसमें एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी दिया गया है जिसको प्रेस करने से गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें एंड्रॉयड सपोर्ट जो है वो एंड्रॉयड 11 की है, अभी तो ये एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है लेकिन एंड्रॉयड 11 की अपडेट भी इस फ़ोन में हो जाती है, और उम्मीद है कि एंड्रॉयड 12 भी इस फ़ोन के लिए रोल आउट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं पबजी प्लेयर्स के लिए डिवाइस कैसी है। तो भाई पबजी प्लेयर्स के लिए तो ये फ़ोन बना है, और अगर इसके ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्राफिक्स जो देखने को मिलते हैं वो हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, और बैलेंस पे भी एक्सट्रीम मिलता है, एचडी पे भी एक्सट्रीम मिलता है, और एचडीआर पे भी एक्सट्रीम मिलता है, और अल्ट्रा एचडी भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप इस फ़ोन का कंप्लीट जो है पबजी रिव्यू देखना चाह रहे हैं तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, वो आपको जो है इसी चैनल पर मिल जाएगी और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर बात करें नॉर्मल TDMs की तो TDM में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये फ़ोन लैग करे, और क्लासिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ये फ़ोन। हाँ, एक इशू हो सकता है कि जिन लोगों के घर पे AC नहीं है या टेम्परेचर जो है वो इस फ़ोन का थोड़ा सा राइज़ हो सकता है, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इंसानों का टेम्परेचर राइज़ हो जाता है, ये तो फ़ोन है। तो अगर आप 60 FPS पे इसको गेमिंग करोगे तो ये हल्का फुल्का लैग हो सकता है फ़ोन हीटअप की वजह से, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसके साथ एक कूलिंग फ़ैन यूज़ करो या फिर घर का जो कोई भी फ़ैन इस तरह का हो कि आप मतलब जब आप गेमिंग कर रहे हो तो आपके एटलीस्ट फ़ोन के पीछे कहीं से जो है एयर निकलने की जगह या जो है रेडिएटर लगा हुआ है या कोई फ़ैन ऑन है जिसकी वजह से फ़ोन के बैक पे हवा लग रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़ोन ज़रा सा भी लैग करेगा क्लासिक में, और प्राइस के हिसाब से जो ग्राफिक की सपोर्ट है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर कंपेटिटिव की बात करें तो 100% मैं आपको इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं कर सकता। हाँ, 50-50 है, अगर आप नॉर्मल सा कंपेटिटिव खेलना चाह रहे हो तो भाई ये फ़ोन आप यूज़ कर सकते हो। अगर बहुत ही इंटेंसिव क्लास, अगर आप बहुत ही जो है सीरियस हो कंपेटिटिव को लेके, तो मैं आपको ये डिवाइस रिकमेंड नहीं करूँगा। आप थोड़ा सा अपना जो है बजट बढ़ा के OnePlus 7T या OnePlus 8 ले सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है वो। बट बजट के हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त है पबजी के लिए। और अगेन मैं यही कहूँगा कि कंप्लीट पबजी रिव्यू, गेम प्लेस वगैरह, TDM, कंपेटिटिव के बारे में सारी बात करेंगे हम, तो वो वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसमें गेम प्लेस रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तब भी मैं यही बोलूँगा कि भाई ये फ़ोन जो है वो हीटअप होगा, लेकिन अगर आप बैक पे कोई कूलिंग फ़ैन या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ करते हो तो ये फ़ोन आपको रिकॉर्डिंग में भी कोई इशू नहीं देगा। आपको R3 के गेम प्लेस मिल जाएंगे, बल्कि R2 के गेम प्लेस भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप गेम प्ले खेलते हुए इसमें, गेमिंग करते हुए, और टिकटॉक और यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियोज़ भी बना सकते हो पबजी की। तो प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें ग्राफिक्स बहुत ही बेहतरीन है और लैग वगैरह का भी सीन बहुत ही कम है। ख़ास तौर पे मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो आईफोन X है 11 वो भी हीटअप हो जाते हैं, ये तो फिर भी थोड़ी सस्ती डिवाइस है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि आप अगर इसमें गेमिंग करते हो तो एटलीस्ट एक फ़ैन ज़रूर यूज़ करो। और आगे चल के मैं एक डील भी बताऊंगा, उसमें हम आपको इस फ़ोन के साथ जो है जो फ़ैन होता है, जो कूलिंग फ़ैन होता है वो भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ फास्ट चार्जर भी देंगे, और उस डील की प्राइस भी बड़ी मुनासिब सी है। तो अगर आप वो डील लेते हो तो आपको ये बेनिफिट भी हो जाएगा कि गेमिंग के वक्त आपका फ़ोन हीटअप नहीं होगा, आप फ़ैन यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्राइस की। तो ये फ़ोन एक बड़ी ही बेहतरीन प्राइस हम ऑफ़र कर रहे हैं। ये फ़ोन आपको मिलेगा 26,000 का, ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड, PTA के टैक्स पे हुए हुए होंगे। कंडीशन आप देख सकते हैं 100% 10x10 कंडीशन होगी, हर कलर में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा, एक बड़ा स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है इस फ़ोन का। और इसकी जो डील की बात करें हम प्राइस की, तो डील में आपको इसके साथ एक कूलिंग फ़ैन मिलेगा और एक फ़ास्ट चार्जर मिलेगा, और डील के साथ ये जो फ़ोन है, वैसे तो ये फ़ोन किट की सूरत में आते हैं, इनके साथ कोई भी चार्जर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, बट फास्ट चार्जर और कूलिंग फ़ैन के साथ ये फ़ोन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 27,000 में। और ऑर्डर प्लेस करने का तरीका ये है कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, वहाँ जाके आप ऑर्डर या व्हाट्सएप पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरी चैटिंग में आ जाओगे। वहाँ पे आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करना है, और आपको 1,000 रुपीज़ ऑर्डर कन्फर्मेशन के लिए मुझे इजी पैसा जैस का या बैंक अकाउंट में सेंड करने, और रिमेनिंग जो है आपको कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगी। पाकिस्तान के किसी भी शहर में आपको ये फ़ोन जो है वो TCS के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा, 1 से 2 दिन में आपको पार्सल डिलीवर हो जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, अगर आप वेबसाइट पे जाने से बचना चाहते हो, डायरेक्ट मुझे मैसेज करके फ़ोन जो है ऑर्डर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
और ऐसे और भी इम्पोर्टेड फोन्स हैं जिनके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है और हम लेके आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अवेयरनेस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।